नमस्कार सभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों का आज के एक और नए और फ्रेश वीडियो में स्वागत है। देश के लगभग 67 लाख ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए सुप्रीम कोर्ट से एक अच्छी खबर है। तो जी हां, जैसे कि मैंने मेरे पहले वीडियो में बताया था कि 12 जुलाई 2022 को ईपीएस 95 पेंशन धारकों के उच्च पेंशन से संबंधित जो मामले सुप्रीम कोर्ट में दाखिल है, तो इन मामलों के ऊपर सुनवाई हो सकती है। तो जी हां, ईपीएस 95 पेंशन धारकों को मैं खुशखबरी देना चाहूंगा कि 12 जुलाई 2022 को यानी आज ही ईपीएस 95 पेंशन धारकों के जो उच्च पेंशन से संबंधित मामले हैं, तो इन मामलों के ऊपर सुनवाई होने वाली है। तो जी आज के इस वीडियो में ये जो पूरी डिटेल है, तो उसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में अभी पूरी जानकारी देने वाला हूँ। किन तीन जजों के सामने ईपीएस 95 पेंशन धारकों के ये जो मामले है वो सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किए गए हैं। एडवांस कॉज लिस्ट में जो ईपीएस 95 पेंशन धारकों के मामले सुनवाई के लिए सूचीबद्ध नहीं किए गए थे, तो उसके बाद जो यहाँ पर मेन कॉज लिस्ट जारी हुई है, तो उसमें ईपीएस 95 पेंशन धारकों के जो मामले हैं वो सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किए गए हैं। साथ ही कौन से तीन जजों के सामने यह मामले सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किए गए हैं, तो उसके बारे में अभी मैं आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी देने वाला हूँ। तो जी आज के इस वीडियो में आज की सुनवाई के बारे में जो अपडेट है, तो उसके बारे में अभी हम इस वीडियो में पूरी जानकारी लेने वाले हैं। साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा कि 12 जुलाई 2022 को यानी आज ईपीएस 95 पेंशन धारकों के जो मामले सुनवाई के लिए लिए गए हैं, तो सुनवाई के बाद इनके ऊपर क्या फैसला आता है, सुप्रीम कोर्ट से क्या अपडेट आता है, क्या सुप्रीम कोर्ट द्वारा ईपीएस 95 पेंशन धारकों के इन मामलों को लेकर कोई अंतिम फैसला दे दिया जाता है या फिर हमेशा की तरह इन्हें कोई अगली तारीख दे दी जाती है, तो इसके संबंध में जो भी अपडेट रहेगा तो हम आपको एक लाइव सेशन में आज शाम को इसकी जानकारी दे देंगे। इसके लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करके रख लीजिए और आज के शाम के लाइव सेशन के साथ जरूर जुड़िए। लाइव सेशन हम आपके लिए सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई होने वाली है, तो उससे क्या अपडेट आता है, तो उसी के बारे में हम आपको उस लाइव सेशन में जानकारी देंगे। फिलहाल आज के इस वीडियो में अभी हम जान लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में ये जो मेन कॉज लिस्ट है, तो उसमें ईपीएस 95 पेंशन धारकों के जो मामले हैं वो दाखिल किए गए हैं, तो वो कौन कौन से हैं और साथ ही इन मामलों को किन तीन जजों की बेंच के सामने सुनवाई के लिए लिया जाना है। तो जी इस वीडियो के साथ आप अंत तक बने रहिएगा ताकि ये जो अच्छी खबर एक बार फिर से ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए आई है, लगभग एक साल के बाद ईपीएस 95 पेंशन धारकों के उच्च पेंशन से संबंधित जो मामले है तो वो सुनवाई के लिए लिए जाने हैं। पिछले साल अगस्त 2021 में दो जजों की खंडपीठ द्वारा ईपीएस 95 पेंशन धारकों के मामलों के ऊपर सुनवाई की गई थी और इन मामलों को तीन जजों की बेंच के पास सुनवाई के लिए भेज दिया गया था। उसके बाद अभी 12 जुलाई 2022 को तीन जजों की बेंच का गठन भी किया गया है और इन मामलों को सुनवाई के लिए कोर्ट नंबर 2 में यहाँ पर सूचीबद्ध भी किया गया है। तो चलिए जान लेते हैं ये डिटेल अपडेट। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रख लीजिएगा, साथ ही इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा ईपीएस 95 पेंशन धारकों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी इस सुनवाई के बारे में अपडेट मिल सके और वो भी हमारे साथ जो है वो आज की सुनवाई के बारे में क्या अपडेट आएगा, क्या फैसला आएगा, तो उसे जानने के लिए लाइव सेशन के साथ तो वो भी ईपीएस 95 पेंशन धारक जो है वो जुड़ सकेंगे। इसलिए आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा ईपीएस 95 पेंशन धारकों तक यह वीडियो पहुंचना चाहिए ताकि सुप्रीम कोर्ट से ये जो अच्छी खबर आज आने वाली है तो उसके बारे में सभी को जानकारी मिल सके। तो चलिए अभी यहाँ पर ये जो डिटेल अपडेट है तो उसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। तो जी देश के लगभग 67 लाख पेंशन धारक पिछले एक साल से ईपीएस 95 पेंशन धारकों के मामलों के ऊपर जो सुनवाई अगस्त 2021 में हुई थी, तो उस फैसले के बाद जो है वो अगली सुनवाई का इंतजार कर रहे थे, पर अभी तक ईपीएस 95 पेंशन धारकों के मामलों के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नहीं हो रही थी। पर आज 12 जुलाई 2022 को ईपीएस 95 पेंशन धारकों का जो पिछले एक साल से चला आ रहा इंतजार है तो वो खत्म हो सकता है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है तो उस पर 12 जुलाई 2022 की जो मेन कॉज लिस्ट है, जिसमें 12 जुलाई 2022 को कौन कौन से मामलों को सुनवाई के लिए लिया जाएगा, तो उसके बारे में जानकारी दी गई है। तो इसमें ईपीएस 95 पेंशन धारकों के जो मामले हैं, तो उन मामलों को भी सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट की जो एडवांस कॉल जारी की गई थी, तो उसमें ईपीएस 95 पेंशन धारकों के मामलों को 12 जुलाई 2022 की जो
सुनवाई की कॉज लिस्ट है तो उसमें शामिल नहीं किया गया था। उसके बाद 11 जुलाई 2022 को माननीय एडवोकेट सिद्धार्थ जी द्वारा यहां पर जानकारी देते हुए कहा गया है कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों से मामले यानी ईपीएफओ से संबंधित जो मामले हैं जो कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों के मामले है जो रिव्यू पिटीशन फाइल किया गया है आरसी गुप्ता मामले के लेकर जो फैसला दिया गया था तो उसकी करेक्टनेस को लेकर तो इसके ऊपर जो है वो यहाँ पर सुनवाई 12 जुलाई 2022 को होगी ऐसा यहाँ पर उनके द्वारा जानकारी दी गई थी। तो वो लेटर भी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं तो ये लेटर जो है आप विस्तार से पढ़ सकते हैं। इसमें ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए यही जानकारी है कि 12 जुलाई 2022 को जो ईपीएफओ और ईपीएस 95 पेंशन धारकों के मामले है तो इनको सुनवाई के लिए लिया जाना है। तो जी यहाँ पर अभी ये जो एडवांस कॉज लिस्ट है तो उसमें ईपीएस 95 पेंशन धारकों के जो मामले है वो शामिल नहीं किए गए थे। उसके बाद हाल में अभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों के जो मामले है तो वो जो 12 जुलाई 2022 की मेन कॉज लिस्ट है तो उसमें शामिल कर लिए गए हैं और उनको 12 जुलाई 2022 को सुनवाई के लिए लिए जाना है। तो जी इन मामलों को जैसे कि पिछली सुनवाई में कहा गया था कि 3 जजों की बेंच के सामने सुनवाई के लिए लिया जाए ताकि किसी के साथ भी अन्याय ना हो। इसके लिए यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि इन मामलों को माननीय जस्टिस उदय उमेश ललित, माननीय जस्टिस एस रविंद्र भट्ट, माननीय जस्टिस सुधांशु दुलिया जी के सामने सुनवाई के लिए लिया जाने वाला है। यह सुनवाई 12 जुलाई 2022 को कोर्ट नंबर 2 आइटम नंबर 41 के हिसाब से होने वाली है। तो जी यहाँ पर मेन कॉज लिस्ट में ईपीएस 95 पेंशन धारकों से संबंधित जो मामले हैं वो आइटम नंबर 41 में यहाँ पर सूचीबद्ध किए गए हैं। एडवांस कॉज लिस्ट डाउनलोड करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, साथ ही आप लाइव चैट का जो सेक्शन है तो वहां पर भी आप देख सकते हैं। इस लिंक को आप वहां से देखकर वहां पर क्लिक कर आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं और वहां पर देख सकते हैं कि कोर्ट नंबर 2 में जो आइटम नंबर 41 है तो वहां पर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन और ईपीएस 95 पेंशन धारकों से संबंधित जो मामले है जिसका एसएलपी नंबर है 8657 और 8658 तो इन मामलों को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है। तो जी आज के सुनवाई में ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए क्या खुशखबरी आती है तो वो भी हम आपको एक लाइव सेशन में शाम को पूरी जानकारी दे देंगे। इसके लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा क्योंकि जैसे ही लाइव सेशन शुरू होगा तो आपको उस लाइव सेशन का नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आपको जो भी सुप्रीम कोर्ट से आज अपडेट आएगा, हो सकता है फाइनल फैसला आ जाए या फिर हो सकता है कि हमेशा की तरह कोई अगली तारीख सुनवाई के लिए दिए जाए, पर जो भी हो, जो भी फैसला आएगा तो हम आपको आज के लाइव सेशन में उसकी पूरी जानकारी दे देंगे। इसके लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। तो जो ईपीएस 95 पेंशन धारकों के जो मामले हैं तो इससे पहले उनको कैटेगरी नंबर 0111 ऐसा यहाँ पर लिस्टेड किया गया था। उसके बाद इन मामलों को लेबर मैटर्स यानी मैटर रिलेटिंग टू प्रोविडेंट फंड ऐसा यहाँ पर सूचीबद्ध किया गया था। उसके बाद इन मामलों को अभी यानी कैटेगरी 1900 3 जजों की बेंच के सामने यह जो मैटर है वो सुनवाई के लिए लिया जाने वाला है। और यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो 3 जजों की बेंच है तो उसमें माननीय जस्टिस उदय उमेश ललित, माननीय जस्टिस मिस्टर एस रविंद्र भट्ट, माननीय जस्टिस मिस्टर सिद्धांशु दुलिया जी है। तो इन 3 जजों के सामने ईपीएस 95 पेंशन धारकों के जो मामले है तो इन मामलों को सुनवाई के लिए लिया जाने वाला है। तो जी ईपीएस 95 पेंशन धारक पिछले एक साल से इंतजार कर रहे हैं उनके मामलों की सुनवाई को लेकर, पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा बार बार उन्हें जो वो आगे की तारीख दे दी जा रही थी। अब जाके कहीं 12 जुलाई 2022 की जो मेन कॉज लिस्ट है तो इसमें ईपीएस 95 पेंशन धारकों के मामलों को लेकर सुनवाई के लिए अच्छी खबर आई है। ईपीएफओ से संबंधित और ईपीएस 95 पेंशन धारकों से संबंधित जो मामले है तो सुप्रीम कोर्ट में कोर्ट नंबर 2 और आइटम नंबर 41 में सूचीबद्ध किए गए हैं, जिसे आप जो मेन कॉज लिस्ट है 12 जुलाई 2022 की तो उसे डाउनलोड करके आसानी से वहां पर देख सकते हैं। तो जी ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए आज का दिन खुशखबरी लेकर आ सकता है। जो भी अपडेट रहेगा तो मैं आपको शाम के लाइव सेशन में उसकी पूरी जानकारी विस्तार से दे दूंगा। जो भी अपडेट रहेगा, जो भी फैसला रहेगा,
या फिर जो भी अगली तारीख दी जाएगी तो उसके बारे में मैं आपको पूरी जानकारी दे दूंगा। उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा पिछले एक साल से जो इंतजार कराया जा रहा है तो उसे जो है वो आज खत्म किया जाए या फिर ईपीएस 95 पेंशन धारकों को जो उच्च पेंशन का रास्ता है वो साफ कर दिया जाए। जो भी अपडेट रहेगा तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से उसकी जानकारी दे दूंगा। मेरा नाम योगेश है और मैं आपके लिए जो भी अपडेट रहेगा तो उसके बारे में विस्तार से पूरी जानकारी दे दूंगा। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रख लीजिएगा। साथ ही इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा ईपीएस 95 पेंशन धारकों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि इस अपडेट के बारे में उनको पूरी जानकारी मिल सके। तो ये आज के इस वीडियो में 12 जुलाई 2022 की सुनवाई के संबंध में ये जो एक अच्छी खबर सुप्रीम कोर्ट से हमें मिली थी तो उसी के बारे में मैंने आज आपको जानकारी दी है। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में जो जानकारी मैंने आपको दी है वो अच्छी जरूर लगी होगी। साथ ही इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा और जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करते चलिएगा। इस वीडियो को आप शेयर जरूर कीजिएगा ताकि यह जानकारी देश के लगभग 67 लाख ईपीएस 95 पेंशन धारकों तक पहुंच सके, क्योंकि ये काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि लगभग देश के जो रुद्ध 67 लाख ईपीएस 95 पेंशन धारक है तो वो सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई का इंतजार कर रहे थे। तो आज का दिन ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए एक सुनहरा दिन हो सकता है, जो कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों के हक में फैसला दिया जा सकता है या फिर अगली तारीख दी जा सकती है। जो भी अपडेट रहेगा तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से उसकी पूरी जानकारी आज शाम को दे दूंगा। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रख लीजिएगा। तो चलिए आज के इस लाइव सेशन में शाम को मिलते हैं। तब तक आज की सुनवाई से क्या अपडेट आता है तो उसके बारे में मैं जानकारी एकत्रित करता हूं और आपको शाम के सेशन में उसे देने की कोशिश करता हूं। तो चलिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आगे भी अपडेट हम आपके लिए देते आते रहेंगे। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं आज के एक लाइव सेशन में आज की जो भी जानकारी रहेगी उसके साथ। तब तक आप सभी को मेरा नमस्कार। अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एक ट्रेडिंग अकाउंट की जरूरत पड़ती है। ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपके लिए एक लिंक देके रखा है। उस लिंक पर क्लिक करके अगर आप ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करते हैं तो उस ट्रेडिंग अकाउंट ओपनिंग के लिए आपको कोई भी चार्जेस देने की जरूरत नहीं है, साथ में कोई भी एनुअल फी देने की जरूरत नहीं है। और जब भी आप इक्विटी में शेयर खरीदेंगे या फिर बेचेंगे तो उसके ऊपर आपको कोई भी ब्रोकरेज देने की जरूरत नहीं है। अगर मान लीजिए आपने 100 रुपए का कोई शेयर खरीदा और उसे 150 रुपए में बेच दिया तो जो 50 रुपए का फायदा होगा तो वो सीधे आपकी जेब में जाएगा। इसके ऊपर जो है वो आपको कोई भी ब्रोकरेज चार्जेस देने की जरूरत नहीं है, कोई भी यहाँ पर आपको चार्जेस नहीं है। तो इसके लिए अगर आप अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया हुआ है, तो उस लिंक पर क्लिक करके आप घर बैठे ऑनलाइन एक डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं।